Hi patrons, today I am going to discuss about Vata Pitta Kapha Prakriti analysis. हम वाता पिता एंड कफा प्रकृति कैसे जान सकते हैं क्लाइंट्स में कि इनकी कौन सी प्रकृति है. सो आई वुड स्टार्ट विथ फिजिकल अपेयरेंस. आप क्लाइंट्स की फिजिकल अपेयरेंस से ही डिसाइड कर सकते हो कि इसकी कौन सी प्रकृति है. जैसे वाता प्रकृति वाले हैं, वाता प्रकृति वालों का जो बॉडी है वो लीन एंड थिन रहती है. इनकी जो वेन्स हैं, वेन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट रहती हैं. अगर मैं बात करूं पित्ता वालों की जो बॉडी है वो मीडियम रहती है और ये मस्कुलर होती है इनकी बॉडी. कफा वाले जो है इनकी जो बॉडी है पल्पी और मोस्टली ये इट इज़ मोर टूवर्ड ओबेसिटी. थोड़ा सा इनका वेट गेन रहता है, ये हेफ्टी होते हैं थोड़े से. सेकंड आप कैसे एनालाइज कर सकते हो इनकी स्किन से. वाता प्रकृति वालों की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और जो पित्ता वालों की थोड़ी सी वो रेड एंड रिंकली रहती है. और कफा वालों की, इवन वाता वालों की भी क्वाइट लिटल रिंकली रहती है. अब मैं बात करूंगी कफा वालों की स्किन, इनकी स्किन जो है स्मूथ एंड ग्लोइंग होती है. नेक्स्ट जो हम देखेंगे इनके बाल, जो हेयर क्वालिटी है, वाता वालों के बाल जो हैं वो ड्राई एंड थिन रहते हैं. पित्त वालों को मोस्टली बाल जो हैं इनके जल्दी ग्रे होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ इनके बाल जो है बाल्ड, इनके बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत रहती है. तो बाल्डनेस एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है पित्त वालों के रहते हैं, इनके बाल क्वांटिटी में कम होते हैं. कफा वालों के जो हेयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है. इनके मोस्टली हेयर कर्ली हैवी डेंस होते हैं, इनके बाल जो हैं स्मूथ रहते हैं. तो ये तो हो गया इनके हेयर से एनालाइज करना. अगर नेल्स देखोगे तो वाता वालों के जो नेल्स हैं वो ड्राई एंड क्रैकी होंगे, लिटिल क्रैक्स होंगे. जो पित्त वाले हैं उनके जो नेल्स हैं वो रेड एंड लिटिल स्मूथ होते हैं. कफा वालों के वाइट एंड वाइट थोड़े से चौड़े एंड वाइट कलर में होते हैं इनके नेल्स. नेक्स्ट मैं बताऊंगी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है तीनों में. तो वाता प्रकृति वालों का जो डाइजेशन है वो फ्लक्चुएट करता है. इनकी जो डाइजेस्टिव फायर है ना वो विषमग्नी रहती है. ये कभी इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कभी कम, तो ये फ्लक्चुएट रहती है. जो पित्त वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इनका डाइजेस्टिव फायर जो है बहुत ज़्यादा शार्प होता है. और जो कफ वाले हैं उनकी डाइजेशन थोड़ी सी वीक रहती है, उनको भूख कम लगती है. सेम अगर मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो वाता वालों का जो मेटाबॉलिज्म है फ्लक्चुएट करता है, उनको इंडाइजेशन इश्यूज काफ़ी रहते हैं. और जो पित्त वाले हैं इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई, पीएमआर रेट जो है हाई होता है. कफा वालों का पीएमआर रेट स्लो होता है. ठीक, ये तो हो गया डाइजेशन के बारे में. नेक्स्ट ये तो फिजिकल ट्रेट्स हो गए, नेक्स्ट आ गया मेंटल ट्रेट्स. इनकी नेचर से कैसे पहचाना जाता है कि ये वाता पिता कफ नेचर के हैं. वाता वालों को मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल रहती है और ये मेंटली ये जो इनका माइंड जो है बहुत फ्लक्चुएट रहता है, ये कन्फ्यूजन स्टेट में ज़्यादा रहते हैं. ये डिसीजन जो है बहुत ईजली नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ देयर फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड. इसीलिए इनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है वाता वालों के लिए. जो पित्त वाले हैं उनका जो जो नेचर होता है ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं. गुस्सा, इरिटेशन ये इनको काफ़ी रहता है, इसीलिए इनको ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस भी रहते हैं अगर ये अपने इस नेचर पर कंट्रोल ना करें. इनके लिए भी मेडिटेशन एंड कोई भी हॉबी परस्यूइंग एक्टिविटी जो है इनके लिए बहुत अच्छी रहती है. नेक्स्ट जो आ जाता है कफा प्रकृति वाले, ये काफ़ी कूल एंड काम टाइप ऑफ लोग होते हैं. इनका जो माइंड है वो काफ़ी स्टेबल होता है. तो आई वुड से कि ये काफ़ी हद तक सही नेचर रहता है कफा वालों का जो मेंटल स्टेट जो है. नेक्स्ट हमें क्यों एनालाइज करना पड़ता है पेशेंट का कि ये वाता है पित्ता है या कफा नेचर है. बिकॉज इन्हीं अगर वाता पित्त कफ वाले जो हैं अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डाइट प्लान नहीं करते तो उनको उन्हीं की प्रकृति के बढ़ने वाली
जहाँ कम होने वाली डिजीजेज जो है होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाता प्रकृति वाला क्लाइंट हमारा वाता पैसिफाइंग डाइट नहीं लेता, तो इनको इन फ्यूचर कुछ वाता डिसऑर्डर लाइक जैसे आर्थराइटिस होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, जॉइंट पेन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस एंड ड्राइंग ऑफ हेयर, और इसके साथ साथ जितने भी नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप एंड ओवर थिंकिंग, ये सब वाता वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसीलिए इनको अपनी वाता पैसिफाइंग डाइट जो है स्पेशली लेनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते पित्त वाले। पित्त वालों की जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है। अगर वो पित्त पैसिफाइंग ठंडी तासीर वाला फूड नहीं खाते, पित्त को पैसिफाई करने वाला बैलेंस करने वाला फूड नहीं खाते, तो इनको इन फ्यूचर इन्फ्लामेशन वाली डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। इन्फ्लामेशन वाली कैसी, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, मेंटल, क्योंकि माइंड, क्योंकि इनका गुस्सा एंड एंगर बहुत रहता है, तो इनको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी रहते हैं, ब्लीडिंग ब्लीडिंग रेक्टम भी हो सकता है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इवन कोलिलिथियासिस जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये भी मोस्टली पित्ता प्रकृति वालों को हो सकता है अगर वो पित्ता पैसिफाइंग डाइट नहीं लेते। नेक्स्ट आगे कफा वाली। अगर कफा प्रकृति वाले पेशेंट कफा पैसिफाइंग डाइट नहीं लेते, तो इनको इन फ्यूचर कौन कौन सी ट्रबल्स को फेस करना पड़ेगा, ये इनको ओबिस्टी होने के चांसेस हैं। फिर आपको पता ही है कि ओबिस्टी काफ़ी बीमारियों को वेलकम करती है, जैसे कि PCOD, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, मेलाइटिस और काफ़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, तो इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, ये भी कफा डिजीज़ के अंडर ही आ जाता है। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा में किस तरीके से इनका डाइट प्लान किया जाता था। मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी ग्रीन टी से। तो हम वाता वालों को मोस्टली कैमोमाइल टी रिकमेंड करते हैं, बिकॉज इसके साथ साथ और जिंजर, क्यूमिन डिकॉक्शन भी बहुत अच्छा है इनके लिए। बट कैमोमाइल टी क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि ये आप इनके माइंड को, स्ट्रेस लेवल्स को नॉर्मल करता है, जो इनका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है अननेसेसरली या स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये उसको पैसिफाई करता है, तो कैमोमाइल टी रिकमेंड करते हैं। पित्ता वालों को हम रिकमेंड करते हैं मिंट टी, जितने भी फ्लावर टीज हैं, मिंट टी हो गई, जैस्मिन टी होगी, लोवेंडर फ्लावर्स टी होगी, रोज पेटल टी हो गई, इसके अलावा हिबिस्किस रोजा टी, तो ये सारे पित्त को शांत करते हैं, एक कूलिंग सेंसेशन देता है क्लाइंट्स को, तो ये इस तरीके से उनको आगे फर्दर कोई ट्रबल फेस नहीं करनी पड़ती अगर वो ऐसा डाइट प्लान लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ कफ वाले, कफ प्रकृति वालों के लिए कौन से टीस बहुत इफेक्टिव है, जैसे जिंजर हनी लेमन टी, क्योंकि हनी जो है वो कफ को पैसिफाई करता है, जिंजर कफ को पैसिफाई करती है, रॉ टर्मेरिक हनी टी इज़ वेरी गुड इनके लिए, त्रिकटू चूर्ण इज़ वेरी गुड, कांचनार गुगुल इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू पैसिफाई द कफा। अगर कफा वाले अपनी इस टाइप को नहीं लेते, तो इन फ्यूचर इनको ट्यूमर भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्यूमर जो है वो इमेच्योर ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, तो इमेच्योर जो ग्रोथ्स होती हैं सेल्स की, वो भी कफा रोगों में ही आ जाती है। सो इसीलिए हमारे लिए अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डाइट प्लान लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस मैनी मोर प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। I would say, stay healthy, stay happy forever.